नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, पति पत्नी के बीच के झगड़े किस कदर अपने ही बच्चों की जान के दुश्मन बन जाते हैं, ऐसा ही एक मामला भी सामने आया है राजस्थान के राजसमंद जिले से। आपको बता दें कि राजस्थान के राजसमंद जिला अंतर्गत कोशीवाड़ा गांव में दो सगे भाई बहनों ने विषैला पदार्थ का सेवन किया, जिसके चलते बहन की मौत हो गई। मरने वाली का नाम, मृतका का नाम रितिका जैन बताया गया है। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि ये मृतक रितिका और उसका भाई नालासोपारा पालघर जिले के नालासोपारा शहर में अपने मामा के घर में रहते हैं और वहां रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। ये हाल ही में अपने पैतृक गांव राजसमंद के कोशीवाड़ा आए थे। वहां इन्होंने अपने माता पिता को लड़ते झगड़ते देखा तो इनके ऊपर इतना गहरा उसका असर हुआ कि इन्होंने वहां से नाथद्वारा जाकर नाथद्वारा के एक होटल में रुकते हुए वहां पर विषैला पदार्थ का सेवन किया और उसके बाद इनकी तबीयत जब बिगड़ी, इनको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रितिका की जान नहीं बचाई जा सकी। और वहीं उसका भाई अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। इस मामले के बाद रितिका के मामा ने उसके रितिका के पिता के ऊपर आरोप लगाया कि रितिका का पिता जो है उसकी मां के साथ में बदसलूक किया करता है और हमेशा प्रताड़ित करता है। अब इस मामले में कितनी सच्चाई है वो तो पुलिस की जांच में ही पता लग पाएगा, लेकिन ये बात जरूर है कि एक जान चली गई और ये कोई साधारण परिवार नहीं है। ये परिवार था जैन समाज का, जो जैन समाज काफी समृद्ध परिवार है। तो कहीं ना कहीं ये हम आपको जो घटना बता रहे हैं, काफी भयानक घटना ये घटी है अभी हाल ही में राजस्थान के राजसमंद जिला कोशीवाड़ा से। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।